हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेस। मैं संतोष कुमार आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सिक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनी सकल का जो पोयम ब्यूटी है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं वर्किंग विद द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन। देखिए, जो पोएट है पहले लाइन में वो बोलते हैं कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, इस तरीके से बहुत सारी लाइन्स लिखते हैं। और आगे है कि कैन यू हियर ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं। एड अ साउंड दैट यू थिंक अ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। या इस पोएम में पोएट के द्वारा कही गई ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं। द पोएट कीट्स सेड, एक बहुत ही फेमस पोएट हैं कीट्स, उन्होंने कहा है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो भी मेलोडीज़ हैं, मधुर संगीत हैं, हम उनको सुनते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही स्वीट होते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन कुछ ऐसी ब्यूटीज़ हैं, ऐसी सुंदरता है जिनको हम सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो उनसे कहीं अधिक स्वीटर होता है, उनसे भी कहीं अधिक मधुर होता है। या फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स, इन सब बातों से आप क्या समझते हैं, इनका क्या मतलब है। Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? क्या आपने कोई ऐसा song सुना है, ऐसे कोई गीत सुने हैं जो बहुत दिनों पहले गाया गया या बहुत दिनों पहले play किया गया था? अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं। Yes, we hear melodious notes of flowing water, singing cuckoo and flying birds, the recitation of Sanskrit stotra and the chanting of hymns with rapt attention. हाँ, हम बहुत सारे मेलोडियस नोट्स, बहुत सारे मधुर संगीत सुनते हैं, जैसे पानी का बहना, सिंगिंग करते हुए कुक्कू की आवाज़ सुनना, कोयल को गाते हुए सुनना, चिड़ियों को उड़ते हुए, उसमें भी ब्यूटी है। और संस्कृत में जब स्तोत्र का पाठ होता है, स्तोत्र पढ़े जाते हैं, तो उनका जो रिसाइटेशन है वो भी मधुर है, और जो अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं उनमें भी मधुरता है। इनको हम पूरी तरीके से फुल ऑफ अटेंशन से सुनते हैं, बड़े ध्यान से, बड़ी मधुरता का अनुभव करते हुए सुनते हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि इसका कारण ये है कि दीज साउंड्स आर स्वीट एंड थ्रिलिंग। ये जो साउंड्स हैं, ये जो आवाज़ें हैं, ये बहुत ही मधुर हैं और हमें रोमांचक बना देती हैं, वेरी प्लीजिंग टू आवर ईयर्स, और हमारे कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं, बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। कीट्स रिमार्क इज़ प्रोफाउंडली ब्यूटीफुल एंड ट्रू। जो जॉन कीट्स हैं, जो पोएट हैं, उन्होंने जो रिमार्क दिया ब्यूटी के ऊपर, वो एकदम सही है। मेलोडीज हर्ड ओनली इन इमेजिनेशन आर सर्टेनली स्वीटर देन हर्ड विथ फिजिकल ईयर्स। जो संगीत हम कानों से सुनते हैं उससे भी अधिक कहीं मधुर होता है जब हम उनको फील करते हैं, इमेजिनेशन में हम उसको इमेजिन करते हैं। सम ऑफ द पोएम्स बाय ग्रेट पोएट्स स्टर द सोल। बहुत सारे महान कवियों की कविताएं हमारी आत्मा में एक रोमांच पैदा करते हैं। सम फिल्म लिरिक्स हैव अ हॉन्टिंग म्यूजिक, और बहुत सारे फिल्म के जो लिरिक्स हैं, संगीत है, वो हॉन्टिंग म्यूजिक है। उनका जो संगीत है बहुत ही गुंजायमान कर देता है, हमारे हृदय में एक कंपन उत्पन्न कर देता है। आई हर्ड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, मैंने बहुत सारे गीत, बहुत सारे सॉन्ग्स सुना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू। Read the first and the second stanzas of the poem again. Note the following phrases. देखिए, पहली स्टेंजा और दूसरी स्टेंजा पोएम में जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा है उसको फिर से पढ़ना है, और जो नीचे कुछ फ्रेजेस लिखे गए हैं इनको नोट करना है, जैसे कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और पीपल डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, अ सिंगर चैंटिंग। देखिए, यहाँ पर जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दीज कुड बी रिटन एज, इनको इन तरीकों से भी लिखा जा सकता है। जैसे कॉर्न ग्रोइंग को लिखा जा सकता है कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग को लिखा जा सकता है पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू री राइट अदर फ्रेजेस लाइक दिस, क्या इसी तरीके से आप दूसरे और भी फ्रेजेस लिख सकते हैं क्या। वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस शॉर्टर फ्रेजेस, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पोएट हैं, कवि, ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। गुड डीड्स डन, चाइल्ड क्राइंग, द पेशेंट रिकवरिंग एट्सेट्रा। ये देखिए, यहाँ पे फ्रेजेस हैं, अब इनको और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे दीज कैन बी ऑल्सो रिटेन एज। देखिए, इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, गुड डीड्स डन बाई अस, और जो वो फ्रेज है चाइल्ड क्राइंग उसको लिख सकते हैं द चाइल्ड हु वॉज क्राइंग,
और जो तीसरा फ्रेज है द पेशेंट रिकवरिंग, इसको लिख सकते हैं द पेशेंट हु वॉज रिकवरिंग। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं द पोएट यूजेस शॉर्टर फ्रेजेस फॉर एनहांसिंग पोएटिक ब्यूटी। जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, वो अपने पोएम में ये छोटे छोटे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने पोएटिक ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जो काव्यात्मक सुंदरता है उसको और भी बढ़ाने के लिए। इट इज़ सच अ स्टाइल दैट सेट्स पोएट्री अपार्ट फ्रॉम प्रोज। और यही एक स्टाइल है, यही एक तरीका है, इसी वजह से जो पोएट्री है वो प्रोज से अलग हो जाती है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। अभी तक आपने जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर सुंदर चीज़ें आपने देखा है, ब्यूटीफुल सीन देखा है, तो उसको फाइंड आउट करना है और उसका पिक्चर यहाँ अपनी नोटबुक में लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, द ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव सीन, मैंने जो ब्यूटीफुल थिंग्स या सुंदर दृश्य देखा है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। इसी तरीके से आप भी जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स आप देखे होंगे उसको अपने नोट्स में कलेक्ट कर सकते हैं और उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स मैंने देखा, जो भी ब्यूटीफुल सीन मैंने देखा है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपनी नोट्स में मेंशन करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है आपको। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ इन द पोएम। पोएम में जो भी आइडियाज़ दिए गए हैं उनके साथ आप अपने आइडियाज़ भी मिक्स कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी यूज़ करके पैराग्राफ लिख सकते हैं। यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विथ योर पार्टनर्स। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, पार्टनर के साथ डिस्कस करके आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे दिया हूँ, कुछ अपने तरीके से दो चार लाइन या एक पैराग्राफ लिख दिया हूँ, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। एवरी फाइन आर्ट इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी, बी इट डांस और पोइट्री और स्कल्पचर। देखिए, कोई भी फाइन आर्ट है वो सुंदरता की खान है, सुंदरता का खजाना है। जैसे डांसिंग करना या पोइट्री हो सकता है, या मूर्तिकला हो सकता है, इस तरीके से इन सारी चीज़ों में एक सुंदरता है, ब्यूटी है। व्हाट द ट्राइबल पीपल रिगार्ड एज ब्यूटी मे लुक अगली टू अस। देखिए, जो ट्राइबल लोग होते हैं, अगर उनको किसी चीज़ में सुंदरता लगती है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमको भी ब्यूटीफुल लगे। मीन्स जो उनको ब्यूटीफुल लग रहा है वो हमको अगली लग सकता है, भद्दा लग सकता है। जो हमको ब्यूटीफुल लगता है वो किसी और को भद्दा लग सकता है। सो ब्यूटी हैज़ अ मेनी फॉर्म्स एज वन कैन इमेजिन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है। जैसा जिसका इमेजिनेशन है उसको उस तरीके की सुंदरता दिखती है। बट नोबडी कैन फेल टू सी ब्यूटी इन गुड डीड्स, हीरोइक एक्शंस, स्वीट वॉइस एंड इन नेचर। लेकिन अपने अच्छे कार्यों में, हीरोइक एक्शंस में, बहादुरी भरे कार्यों में, या अच्छी मधुर आवाज़ में, या अपने नेचर में, या इस प्रकृति में सुंदरता है। इस सुंदरता को कोई भी मिस नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें सुंदरता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।